गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू इकोनॉमिक टाइम्स डेली एनालिसिस एंड एक्सप्लेनेशन सीरीज। आज है 13 अक्टूबर एंड डे है वेडनेसडे। तो सबसे पहली बात यार कि हम कल इंस्टाग्राम के ऊपर जो रील्स आ रही हैं उसके ऊपर हमने जो चीज़ कल कवर की थी वो थी कि टैक्स हेवन कंट्रीज़। मंडे को हमने कवर किया था कि कैसे वर्क करती हैं, कैसे उनका रहता है, और दूसरा हमने कल जो कवर किया था कि वो कैसे अपना रेवेन्यू जनरेट करती हैं। तो अगर आपको नहीं पता तो इंडिया के अंदर 85% ऑफ द रेवेन्यू जो पूरी गवर्नमेंट का है वो टैक्सेस से आता है। तो एक ऐसी कंट्री जो टैक्स नहीं ले रही वो कैसे जो है रेवेन्यू अपना अर्न करती है, अगर आपको वो जानने तो आपको नीचे मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट मिलेगा, उसमें कल की जो रील है लेटेस्ट होगी वो मेरे अकाउंट के हिसाब से, तो वो जो है आप देख सकते जाके और फॉलो भी कर लेना। नाउ स्टार्ट करते हैं। इन्फ्लेशन IIP ऐड टू फेस्टिव चीयर, बहुत बेसिक सी न्यूज़ है इसके अंदर, बट एक दो टर्म्स हैं जो हमें समझनी है। इन्फ्लेशन आप सभी को पता है महंगाई का बढ़ना। सेकेंड IIP जो है, IIP का मतलब आपको यहाँ पे नीचे दिख जाएगा, IIP मतलब इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है कि क्या करते हैं इंडस्ट्री, मतलब जो प्रोडक्शन वाली चीज़ें हैं, मतलब गुड्स की हम बात करें, गुड्स के अंदर कुछ स्पेसिफिक इन्होंने बास्केट बनाई हुई है जिसके अंदर ये गुड्स जो है इंक्लूड करते हैं, तो वो गुड्स इंक्लूड करके उनके हिसाब से एक नंबर देते हैं। वो नंबर ज़रूरी नहीं हो कि कुछ मैटर करता हो कि कितनी प्रोडक्शन हुई है, वो मैटर करता है कि पिछले साल कितनी हुई थी प्रोडक्शन, उसको कितना नंबर मिला था। जैसे फॉर एग्जांपल जब ये पहली बार बना होगा, जब हमने नंबर दे दिया 10 और उसके बाद मान लेते हैं प्रोडक्शन में 20% का इंक्रीज़ आया, तो हमने जो है अपने उसी इंडेक्स को 12 की फिगर दे दी। तो इस तरह से बेसिकली होता है रिलेटिव फिगर रहती है, तो हर साल ऐसी फिगर आती रहती है, हर साल हर महीने भी आती रहती है ऐसी फिगर। तो ये इंडेक्स एक तरह से जो फिगर्स बताते हैं कि कितना इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हो रहा है। अब यहाँ पर क्या है कि दो बातें, ये दोनों बातें जो है इन्फ्लेशन और फेस्टिव IIP, इन्फ्लेशन और IIP, ये दोनों जो है फेस्टिव चीयर में बढ़ावा दे रहे हैं। फेस्टिव चीयर मतलब आप सबको बताइए, दशहरा आने वाला है, नवरात्रि चलने लग रहे हैं और आपका दिवाली आने वाली है, वो सब है। तो यहाँ पे जो आपका एक सेंटिमेंट होता है कंज्यूमर का, आप सभी को पता है कि वो काफ़ी ज़्यादा ऊपर रहने वाला है। अब ये दोनों चीज़ें आप खुद कॉमन सेंस लगाइए और सोचिए कि कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। इन्फ्लेशन का कम होना कंट्रीब्यूट करेगा और IIP का बढ़ा होना कंट्रीब्यूट करेगा। तो दोनों बातें हो रखी हैं आपकी। यहाँ पे आप देखेंगे सितंबर रिटेल इन्फ्लेशन एट 5-month low, पिछले 5 months के लो पर है, और पिछले 5 months के अंदर अगस्त के टाइम का भी महीना आ गया जिसके अंदर, मतलब मैं ये क्यों हाईलाइट कर रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर आपका इंडिपेंडेंस डे, राखी, ये वाला पूरा सीज़न रहता है, तो ये भी एक फेस्टिव सीज़न माना ही जाता है, ये आपका जन्माष्टमी भी आता है इसके अंदर। तो हमने जो ये पूरा यहाँ पर देख लिया। अब दूसरी बात जो आपका ये आउटपुट वाला था, आउटपुट वाले के अंदर आप देखेंगे ये आउटपुट वाला जो है इन्होंने ईयर ऑन ईयर कंपेरिजन किया है। ईयर ऑन ईयर का मतलब होता है कि आप पिछले साल के किसी महीने से कंपेयर करेंगे। तो ईयर ऑन ईयर में यहाँ पर क्या है कि अगस्त में 2019 के अंदर प्री कोविड लेवल्स की अगर हम बात करेंगे तो 8% पर था, मतलब 8 पर था, और यहाँ पर अभी इनका राइज 11.9 पर चला गया, जो कि 3.9 ज़्यादा है प्री कोविड लेवल्स से, जो कि मतलब अच्छी परफॉर्मेंस है। तो हमने जो यहाँ पे पूरा देख लिया। इम्प्लीकेशंस क्या है कि इंटरेस्ट रेट कैन रिमेन सॉफ्ट टू रिकवर सपोर्ट, मतलब वो ये कि आपका इंटरेस्ट रेट कम रहेगा, जो लोन वाला था मैंने आपको कल बताया भी था, तो उसकी हेल्प से क्या होगा कि लोग ज़्यादा लोन लेंगे, उसके हेल्प से क्या होगा कि लोग ज़्यादा परचेजेस करेंगे, ज़्यादा मतलब बिजनेस होगा इकोनॉमी के अंदर। तो हमने जो है पूरा यहाँ पर देख लिया। अब इसके बाद ये यहाँ पर भी यही बात देखिए वापस से कि अगस्त फैक्ट्री आउटपुट एट अप 11.9%। अब जो मैं 3.9 वाली बात कह रहा हूँ वो यहीं पर लिखी हुई है आपकी, मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ। तो यहाँ पर है कि वॉज 3.9% हायर देन प्री कोविड लेवल्स अगस्त 2019 से 3.9% ज़्यादा है आपके। तो हमने जो ये पूरा यहाँ पर देख लिया। अब मैं चाहूँगा कि आप ये ज़रूर से पढ़ लें एक बार पूरा, इसके अंदर काफ़ी अच्छा डेटा रेट है और उसको भी पढ़ लें कि सेक्टर वाइज ग्रोथ क्या रही है इसमें, तो वो है ये तो बेसिक सी बात है, ये ज़रूर पढ़ लें जो बीच वाला पूरा पोर्शन है और ये वाला जो नीचे पूरा आर्टिकल है इसको ज़रूर पढ़ लें। स्टार्ट करते हैं आगे। TV सोमनाथन फाइनेंस सेक्रेटरी हैं हमारे। अच्छा, फाइनेंस सेक्रेटरी का मतलब ये होता है कि IAS ऑफिसर है, जो मतलब फाइनेंस मिनिस्ट्री अगर हम देखेंगे तो फाइनेंस मिनिस्ट्री में जो आप एक तरह से सिविल सर्वेंट की तरह, मतलब एक जो जॉब की तरह आप जा सकते हैं, वो हाईएस्ट पोजीशन है ये वाली। इसके अलावा जो पोजीशन है वो सिर्फ एक ही बचती है, फाइनेंस मिनिस्टर, या फिर आप कह सकते हैं फाइनेंस मेंबर ऑफ स्टेट MOS जो होता है वो भी इसके ऊपर ही रहता है। तो ये दोनों पोजीशन तो वो है जो पॉलिटिक्स से आती है, बट ये एक जॉब वाली पोजीशन होती है आपकी। तो ये बेसिकली फाइनेंस सेक्रेटरी हो गई, ये आपके हैं कौन थे, TV रामानंदन,
1899 तक। सॉरी, अब इनका जो इंटरव्यू है इकोनॉमिक टाइम्स वालों ने किया है, तो इसका इंटरव्यू में इन्होंने बेसिकली पूरे बिजनेस इंडिया के अंदर कैसे चलना चाहिए, इनका क्या सेंटिमेंट है इंडियन इकोनॉमी को लेकर, और अभी स्टॉक मार्केट ऊपर चलने लग रहा है। तो होता क्या है कि अभी आपके मन में हो सकता है कि क्वेश्चन आ भी रहा हो कि स्टॉक मार्केट ऊपर चल रहा है और इकोनॉमी काफ़ी नीचे चल रही है, तो क्या होता है अगर आप डाउ जोन्स क्या है, ये अमेरिका का एक वो है, इंडेक्स है, तो अगर आप वो भी देखेंगे तो वो भी जैसे अमेरिका में जब डाउनफॉल आने वाले होते हैं उससे कुछ टाइम पहले ही नीचे चले जाता है। तो ये बेसिकली यहाँ पे यही कहना चाह रहे हैं कि प्रिडिक्शन है कि हमारी इकोनॉमी बहुत बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाली है फ्यूचर के अंदर। ये अगर आपने राकेश झुनझुनवाला का वो बिजनेस कॉन्क्लेव देखा हो, जहाँ पे आपने वो उसकी शॉर्ट्स जरूर देखी होगी आपने, जिसके अंदर वो बताते हैं कि मेरी क्रम्पल्ड टी शर्ट थी, 600 रुपये मैंने लगाए थे उसकी प्रेस करने के लिए। मैं आपको नीचे लिंक दे दूंगा पूरे कॉन्क्लेव का, आधे घंटे का है शायद, इंडिया टुडे वालों ने किया था, तो उसके अंदर भी इन्होंने इस पॉइंट को टच किया था कि ये जो आपका स्टॉक मार्केट है वो प्रिडिक्ट कर देता है पहले ही और आपकी इकोनॉमी काफ़ी अच्छा परफॉर्म करने वाली है। तो इसका भी मैं आपको बताऊंगा कि मोटा मोटा जो वो था क्रक्स था वो यही था इस इंटरव्यू का। अगर आप चाहें तो पूरा पढ़ सकते हैं, नीचे आपको एक वो भी मिलेगा वैक्सीनेशन इफेक्ट कि मतलब 6th पेज पे जाके और भी डिटेल के अंदर पूरा इंटरव्यू यहाँ पे दिया हुआ। तो ना आगे चलते हैं, गवर्नमेंट आस्क्स पावर प्लांट्स टू ब्लेंड 10% इंपोर्टेड कोल। बहुत बेसिक बात है, आपको करेक्ट बिठाना पड़ेगा यहाँ पे। पहले हमने कल देखा था कि फर्स्ट न्यूज़ के अंदर था कि जो थर्मल पावर प्लांट थे उनके अंदर जो कोल की सप्लाई होने वाली है, मैं आपको एक बार दिखाई देता हूँ, अगर आपने किसी ने कल वाली वीडियो देखी होगी तो आप उससे कनेक्ट अच्छे से कर पाएंगे। ये PMO टू रिव्यू कोल पोजीशन एट थर्मल पावर प्लांट्स टुडे। तो हमने जो है देखा था कल, जो है रिव्यू हुई भी थी और आज जो है आपके पास रिपोर्ट सामने हमारे, और ये है इन्होंने बोला है कि अब 10% इम्पोर्टेड कोल को जो है ये मतलब ब्लेंड कर दो अपने जो कोल की सप्लाई है उसके अंदर, ताकि हम उसे एफिशिएंटली यूज़ कर पाए। तो हमने जो है देख लिया कंसर्न ओवर डिप्लीटिंग स्टॉक, ये हमने जो है कल देख लिया था, ये थे। और इन्होंने एक जो है एक यूनिट का यूज़ किया, मैं आपको बता देता हूँ, 40 MT कोल। ये बेसिकली क्या है कि इंडियन गवर्नमेंट के पास इतना कोल है आपका, मतलब इंडियन गवर्नमेंट की एक ऑर्गेनाइजेशन है CIL कोल इंडिया लिमिटेड होगी जितना मुझे लगता है, मेरे को एग्जैक्ट नहीं याद है, बट कोल इंडिया लिमिटेड होनी चाहिए। और इसके पास 40 MT कोल है। MT का मतलब होता है आपका मेगा टन, मेगा टन का मतलब होता है आपका 10^6 के बाद टन और लगाना पड़ेगा। तो यानी कि आप 4 के बाद 7 ज़ीरोज़ लगा देंगे, उसके बाद आपको टन लिखना पड़ेगा, इतना कोल है आपकी गवर्नमेंट के पास। मतलब मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि MT हो सकता है कि आपको इस न्यूज़ के रेफरेंस में या वैसे भी फ्यूचर के अंदर किसी चीज़ के अंदर दिख जाए, तो ये आपको पता होना चाहिए। गवर्नमेंट लिफ्ट फ्लाइट रिस्ट्रिक्शंस, बहुत बेसिक सी बात है, आपने कल देखा भी होगा शायद इंस्टाग्राम के ऊपर काफ़ी चल रहा था कि गवर्नमेंट ने जो है फ्लाइट रिस्ट्रिक्शंस हटा दिए हैं आपके, फुल डिप्लॉयमेंट होने लग जाएगी 18 अक्टूबर से पैसेंजर ट्रैफिक के लिए कम से कम। तो हमने जो पूरा देख लिया, और एयरलाइंस ये कहना चाह रही, ये वाले पॉइंट में पढ़ रहा हूँ, एयरलाइंस कहना चाह रही है कि एटलीस्ट 1 मंथ लगेगा उन्हें 100% कैपेसिटी पे पहुँचने में। तो इफेक्टिवली आप बोल सकते हैं कि नवंबर 20 के आसपास, मिड नवंबर के आसपास जो है पूरी 100% कैपेसिटी पे चीज़ें रन होने लग जाएंगी। तो हमने जो पूरा देख लिया, और मैंने आपको इन बीच वाले पेजेस के बारे में काफ़ी बार बताया हुआ पहले, अब चलते हैं ईट मार्केट सेशन के ऊपर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन रहता है, मैं आपको अगेन बता देता हूँ, अगर आप मतलब आपके पास कुछ भी टाइम नहीं है थोड़ा सा या कुछ भी है, तो आप यहाँ से ज़रूर पढ़ लें एक बार पूरा पेपर, और मतलब ये वाला पूरा सेक्शन ज़रूर पढ़ लें। आप फर्स्ट पेज भी छोड़ सकते हैं, बट आप ये वाला नहीं छोड़े तो ज़्यादा ईजी रहता है, ज़्यादा बढ़िया रहता है। ऑयल ऑन फायर, हु गेन्स हु लूजेस, बहुत बेसिक सी बात है। ऑयल का सबसे पहले हम देखेंगे कि हम कैसे पता लगाते हैं कि ऑयल भर रहा है नहीं भर रहा, हम क्या दुकान पर जाके पूछेंगे कि ऐसा हो रहा है नहीं हो रहा, तो ऐसे नहीं होता है। बेसिकली इसके दो आपके एक मेजर्स हैं, पहला आपका मेजर है WTI क्रूड और दूसरा है ब्रेंट ऑयल, ये दोनों ही आपके ऑयल की कैटेगरीज है। अगर आप चाहेंगे तो मैं इसके बारे में एक डिटेल वीडियो बता दूंगा, या फिर अगर आप चाहते हैं तो मैं इसके बारे में आपको अभी थोड़ा सा डिटेल के अंदर बता देता हूँ। तो बस 2-3 छोटी छोटी बातें हैं। WTI क्रूड का आपका API चलता है 39.6। ये API जो भी चीज़ है मुझे भी नहीं पता क्या है, बट ये 10% से ऊपर होना बड़ी अच्छी बात होती है, तो ये जो है अच्छी बात है। यहाँ पर API ब्रेंट का भी 38.06 है, जो कि अच्छा है। और अगर आप मतलब ऑयल के अंदर एक टेस्ट का भी फैक्टर रहता है कि कितना स्वीट है, कितना वो है जो आपका ऑयल है, ऑयल का टेस्ट है, तो जो WTI क्रूड है वो वेरी स्वीट माना जाता है, और ब्रेंट क्रूड मतलब थोड़ा लेसर स्वीट माना जाता है। और सुपीरियर क्वालिटी का होता है WTI क्रूड ब्रेंट से, पहली बात ये हम लिख देते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। आपकी क्वालिटी यहाँ पर है, तो क्वालिटी के अंदर सिर्फ क्यों लिख देता हूँ कि क्वालिटी तो यहाँ पर है जी WTI क्रूड में, और मैं आपको बताऊँ कि प्राइस जो है ऑब्वियसली बात है कि फिर ब्रेंट क्रूड का जो है ज़्यादा है। हाँ मतलब मैंने सही बोला है कि जो ब्रेंट है उसकी क्वालिटी भी कम है और थोड़ा सा प्राइस भी ज़्यादा है आपका।
तो यहाँ पे हम प्राइस भी लिख देते हैं, क्वालिटी और प्राइस दोनों चीज़ें हैं। तो ऑब्वियसली पता है कि WTI क्रूड वर्ल्ड मार्केट के अंदर लीड करता है, बट क्या होता है कि ब्रेंट क्रूड ज़्यादा एक स्टेबल मेजर है जो ऑयल को ट्रेडिंग के अंदर क्या हम जो आपका सॉरी आपको ये नॉइज़ आ रही होगी, हाँ, बट जो ट्रेडिंग के अंदर हम क्या चीज़ लेके चलेंगे, कुछ प्लेटफॉर्म्स तो जैसे MCX है, MCX मतलब मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज जो इंडिया के अंदर चलता है और जहाँ पे आप कमोडिटी की ट्रेडिंग कर सकते हैं, तो वहाँ पे भी जो है ब्रेंट क्रूड की ट्रेडिंग आप कर सकते हैं। तो मतलब ये सब इसके अंदर रहता है। एक और चीज़ होती है सल्फर कंटेंट, जो कि मतलब 0.5% से कम होता है तो अच्छा माना जाता है, दोनों का ही अच्छा है आपका, और जितना कम होता है उतना अच्छा होता है। तो WTI क्रूड का सिर्फ 0.26% है जो मतलब अच्छा है, और इससे थोड़ा सा ज़्यादा है ब्रेंट क्रूड का, 0.37% है आपका। तो हमने जो यहाँ पे पूरा देख लिया इन दोनों में क्या है। अब यहाँ पर क्या है कि ये बेसिकली बताना चाह रहे हैं कि जैसे ऑयल बढ़ रहा है अभी, तो सीधी सी बात है उसको फ़ायदा होगा जिसके पास ऑयल के स्टॉक्स पड़े हैं, पहली बात। दूसरी बात उसको फ़ायदा होगा जो अपने ऑयल के स्टॉक्स को यूज़ कर पा रहा है ढंग से, वेदर वो पेट्रोलियम के फॉर्म में है या उसको जो है वो यूटिलाइज करके कुछ चीज़ बना के बेच रहे हैं या किसी और कंपनी को सिर्फ ऑयल की फॉर्म में उसको सेल करना है, तो वो सब जो चीज़ें हैं वो इस तरह से होने वाली है। या एक उन्होंने पेंट्स की कंपनी भी ली है जो पेंट्स में यूज़ कर रहा है, एशियन पेंट्स भी उन्होंने लिया है, तो ये सब जो कंपनीज़ हैं ये जो ऑयल का इंडायरेक्ट डायरेक्ट यूज़ कर पाए। तो अब यहाँ पर इन्होंने क्या बताया, ब्रेंट जो आपका 84 बैरल हो गया, इसके मैंने आपको काफी सारा बता दिया ना। अब ये हर कंपनी का कंपेयर करें, बट मुझे पहले लगा था कि हर कंपनी में कितना ऑयल सप्लाईज है वो सब बताएंगे, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। ये इन्होंने अभी शेयर प्राइस को कंपेयर किया सिर्फ कि शेयर प्राइस पे क्या हो सकता है। जैसे ONGC का मैं आपको रीड करके बताऊं, एनालिस्ट सेट द स्टॉक व्हिच इज एट 2 ईयर हाईएस्ट ट्रेडिंग अबव ऑल इंपॉर्टेंट टेक्निकल मूविंग एवरेजेस। राजेश पलविया हेड टेक्निकल्स एंड डेरिवेटिव्स एट एक्सिस सिक्योरिटीज सेट 150 इज स्टॉप लॉस टू गो। वे ये पढ़ सकते हैं पूरा, आपको समझ में आ गया होगा कि बेसिकली पूरा स्टॉक 2 ईयर हाई पे चलने लग रहा है ONGC का और ऑल इंपॉर्टेंट टेक्निकल एवरेजेस। अब इसके बारे में थोड़ी डिटेल वाली बात हो गई, अगर आपको नहीं पता तो छोड़ दें इसको सिंपली। तो इन सभी मूविंग एवरेजेस से ऊपर चलने लग रहे हैं, और आप देखेंगे एक और आपके पर्सन है राजेश पलविया जी जो कह रहे हैं कि अभी मतलब एक कौन है ये एक्सिस सिक्योरिटीज़ के अंदर एक बड़े टेक्निकल ऑफिसर की तरह है, मतलब टेक्निकल एनालिस्ट की तरह है। तो इन्होंने कहा है कि 152 एक स्टॉप लॉस की तरह हो सकता है और टारगेट 175 के आसपास आप कर सकते हैं। तो हमने जो है पूरा देख लिया, पर इसके अंदर मैं बताना ही चाह रहा हूँ कि यहाँ पे सिर्फ स्टॉक्स की बात की गई है और ये नहीं बताया गया कि किसके पास कितने रिजर्व्स हैं, क्या क्या उससे वो डील कर सकते हैं। तो हमने जो ये पूरा देख लिया, आप चाहे तो पढ़ भी सकते हैं और अगर आपको कोई डाउट हो तो आप नीचे जाके कॉमेंट भी कर सकते हैं। नाउ फर्स्ट आफ्टर अ गैप ऑफ नियरली 6 ईयर्स सेंट्रम भारत पे गेट्स लाइसेंस फॉर SFB। बहुत बेसिक सी बात है, सेंट्रम आपकी जो है एक मेन कंपनी है, उसका एक एक तरह से डिवीजन बोलना चाहिए, एक यूनिट बोलना चाहिए, बिजनेस बोलना चाहिए, एक उनका बिजनेस है भारत पे करके, आपने इस पर सुना ही होगा इसके बारे में। तो भारत पे को जो है लाइसेंस मिल गया है SFB के लिए। SFB का मतलब यहाँ पे आपको मैं इसी के अंदर दिखा देता हूँ, SFB का मतलब होता है स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो हमने जो है पूरा देख लिया। अब यहाँ पे क्या है कि इन्होंने बोला है कि क्या क्या काम करने वाले हैं, ये सब इन्होंने डिटेल में दे रखा है। अब यहाँ पे ये पहली बात तो ये बोलना चाह रहे हैं कि सेंट्रम का MSME एंड माइक्रो फाइनेंस बिजनेसेस, मतलब जो सेंट्रम अपने आप में पहले भी थोड़े बहुत फाइनेंस वाले काम करती थी, माइक्रो फाइनेंस वाले, वो हम जो है इस यूनिट के अंदर ही मर्ज कर देंगे। तो यहाँ पे ये जो है इसी के अंदर मर्ज कर दिए जाएंगे और जो है इसका नाम होने वाला है यूनिटी स्मॉल फाइनेंस ग्रुप, USFB होने वाला है। और दूसरी बात कि आपका ये किस किस चीज़ के ऊपर फोकस करने वाले, ये भी उन्होंने जो है काफ़ी क्लैरिफाई करके बताया हुआ है, आप चाहें तो उसको पढ़ भी सकते हैं, मैं आपको हाईलाइट करके बता रहा हूँ। दी फोकस ऑन इंटायरली रिटेल एंड डिजिटल बैंकिंग, तो मतलब मेन से बात है कि डिजिटल और रिटेल बैंकिंग पे फोकस करने वाले मेनली, और यूनिटी SFB इनका नाम होने वाला है। तो हमने जो ये पूरा देख लिया, अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो आप नीचे सॉरी कॉमेंट कर सकते हैं। तो हमने जो देख लिया, बिजनेस ऑन द रोड टू रिकवरी, लेंडर्स स्टेप ऑन हायरिंग पैडल। बहुत बेसिक सी बात है आपकी, बिजनेस जो बिजनेसेस हैं रिकवरी करने लग रहे हैं, जैसे आपका HDFC बैंक, ICICI होम, ये सब अच्छी रिकवरी के फेज़ में आ चुके हैं अभी। तो अगर आप जैसे इनका स्टॉक प्राइस देखेंगे, मैं एक सेकंड वो ले रहा हूँ, तो स्टॉक प्राइस क्या होता है कि जनरली अगर इस लेवल पे मूव कर रहा था प्री कोविड लेवल्स पर, तो अभी मान लेते हैं एक बार तो सबका स्टॉक ऑलमोस्ट फॉल करा ही होगा, तो उसके बाद अगर स्टॉक इतना बढ़ जाए धीरे धीरे करके, इतना बढ़ जाए कि लगभग इसी लेवल पे आ जाए, जो ये वाला लेवल चलने लगा है इसी लेवल पर आ जाए, तो फिर हम उसे रिकवरी बोलेंगे, सीधी सी बात है, या फिर इससे ऊपर चले जाए तो और अच्छी बात है। तो HDFC बैंक का अगर आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छा स्टॉक परफॉर्म करने लगा। तो ये बेसिकली इसके पीछे यही रीज़न है कि आपका बिजनेस इनके रिकवरी के फेज़ के अंदर आ चुका है ढंग से। तो यहाँ पर जो ये हो चुका है, उसके बाद क्या हुआ कि लेंडर्स जो है मतलब वही जो बिज़नेस ओनर है आपके, उन्होंने जो है हायरिंग पेडल के ऊपर बता दिया पैर, मतलब यहाँ पे क्या हुआ, बिज़नेस बढ़ने की वजह से लेंडर्स ने बढ़ा दिया। इसका मतलब ये है कि बैंक्स ने बढ़ा दिया,
ताकि जो है वो लोन अच्छे से प्रोवाइड कर पाए, एफिशिएंटली काम कर पाए, क्योंकि बिजनेसेस अगर रिकवरी की फेज़ में आ गए हैं तो हो सकता है कि वो बिज़नेस ज़्यादा करें, लोन्स वगैरह लें कुछ, या फिर जो पुराने लोन्स हैं उनको रीपे करें। मतलब बिज़नेस अगर इकोनॉमी के अंदर बढ़ता है तो बैंक्स के ऑब्वियसली बिज़नेस बढ़ता है, तो वहाँ पे उसके लिए जो है हायरिंग पैटर्न उन्होंने बढ़ा दिया। लेंडर्स आपका बैंक्स हो गया, SDFC बैंक जैसा देखेंगे टू हायर 2500 पीपल इन नेक्स्ट 6 मंथ्स, बहुत ये बेसिक सी बात है। वैसे तो ICICI होम फाइनेंस टू रिक्रूट 600 एम्प्लॉयज़ बाय दिसंबर, ये भी आप समझिए क्या है। श्री राम ग्रुप टू रिक्रूट 5000 अक्रॉस वर्टिकल्स, तो हमने जो ये पूरा यहाँ पर देख लिया। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट कर सकते हैं, बट इसमें तो मेरे ख्याल से नहीं होगा आपको डाउट। तो आगे चलते हैं, आपका स्टैगफ्लेशन वोज ड्रैग US स्टॉक्स डाउन। तो मैं एक बार इसको थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। तो यहाँ पे हुआ क्या, बेसिकली स्टैगफ्लेशन वोज ड्रैग US स्टॉक्स डाउन, यील्ड राइजेस। बहुत बेसिक सी बात है, हमने ये भी देखा था कि जब US का आपका मॉनेटरी पॉलिसी की तरह आया था तो उसके अंदर ये था कि वो हॉकिश स्टांस पे रहने वाले हैं। मैंने आपको सारे स्टांस वगैरह सब समझाया हुआ है ढंग से। हॉकिश स्टांस का मतलब बेसिकली ये होता है कि आपके जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो बढ़ने वाले हैं। जो आपके जो मिनिस्टर हैं वो कहना चाह रहे हैं कि हम इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाएंगे, उससे होगा क्या कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोन ले पाएंगे आपके, सॉरी कम से कम लोन ले पाएंगे, तो एफिशिएंटली काम करेंगे आपके लोन। और अगर उनके पास जो भी फंड्स हैं वो उन्हें ऐसी जगह पर डालेंगे जहाँ पे उन्हें अच्छे से रिटर्न वहाँ पे मिल रहे हो, क्योंकि उनके पैसे वैसे भी कम हो जाएंगे। तो इस तरह से बेसिकली होने वाला है आपका। और अगर ऐसे में क्या होता है कि अगर वो सेविंग्स अकाउंट के भी इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देते हैं तो वो सारे फंड सेविंग्स अकाउंट में चले जाएंगे आपके। तो यहाँ पे इसी वजह से हुआ है। अब यहाँ पे यील्ड्स राइज हो गई है। यील्ड्स राइज का मतलब ये होता है कि जो आपके बॉन्ड्स के ऊपर आपको इंटरेस्ट रेट मिलने वाला है तो वो बढ़ने लग रहा है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि लोग वहाँ पे पैसा डालना शुरू कर देंगे। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि आपके US के स्टॉक्स डाउन चले गए। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है आपकी कि आपको एक तरह से, हम यहाँ पे बैठे हैं तो हमें स्टॉक मार्केट बहुत बड़ी चीज़ लगती है, बट बॉन्ड मार्केट, मतलब मैं इंडिया की भी बात करूँ तो इंडिया का बॉन्ड मार्केट मैं आपको बताऊँ 10 टाइम्स है साइज़ के अंदर 10 टाइम्स स्टॉक मार्केट से। तो यहाँ पे होता क्या है, क्योंकि बॉन्ड मार्केट के अंदर ज़्यादा लोग इंस्टीट्यूशनल लेवल पे खेलते हैं। इंस्टीट्यूशनल लेवल पे खेलते हैं मतलब इंस्टीट्यूशनल लेवल पे डील करते हैं, जैसे म्यूचुअल फंड हो गए, ऐसे फंड मैनेजमेंट हो गई, फंड मैनेजमेंट वाले हाउसेज हो गए, हेज फंड हो गए, ये सब जो चीज़ें हैं, इन्वेस्टमेंट बैंक्स हो गए। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये बॉन्ड्स के अंदर ज़्यादा रहते हैं, एक्टिवली इन्वॉल्व रहते हैं, तो हमें जो है पता नहीं चल पाता है। बट बॉन्ड मार्केट 10 टाइम्स बिगर है देन स्टॉक मार्केट। अब यहाँ पे हुआ क्या है, बेसिकली एक तरह से बॉन्ड मार्केट में चैनलाइज होने लग रहे हैं फंड्स और स्टॉक मार्केट से नीचे जाने लग रहे हैं, क्योंकि एक मतलब पूरी इकोनॉमी के बाद एक एक्स अमाउंट ऑफ फंड है जो मान लेते हैं ग्रो भी कर रहा है, और US के अंदर काफ़ी कम ग्रोथ है इस फंड की, क्योंकि काफ़ी सारे लोग उधर इन्वेस्टमेंट करने लग रहे हैं और मतलब वहाँ पे कम लोग ऐसे बचे हैं जो इन्वेस्टमेंट नहीं करते। तो हालांकि फिर भी जितनी भी ग्रोथ है आपकी, तो वो हम अगर मिला भी रहे और जो एक्स अमाउंट है उतना वो उतना ही रहेगा जितना है, तो या तो वो यहाँ पे इन्वेस्ट हो सकता है या फिर यहाँ पे इन्वेस्ट हो सकता है। तो वो इस तरह से चैनलाइज हो रहा है कि स्टॉक्स जो है उनको सेल कर रहे हैं लोग और बॉन्ड्स के अंदर डालने लग रहे हैं। तो इस तरह से बेसिकली आपका, और यील्ड्स राइज करने का ये मतलब इसके पीछे जो लॉजिक था वो भी यही था। मतलब यील्ड्स राइज क्यों करी गई, गवर्नमेंट को क्या ज़रूरत है ज़्यादा बॉन्ड के ऊपर इंटरेस्ट देने की, वो इसी वजह से ज़रूरत है कि वो स्टॉक मार्केट से पैसा निकलवाना चाह रहे हैं, ये कम से कम जहाँ पे भी पैसा लगा हुआ है पूरी इकोनॉमी का उसको चैनलाइज करवाना चाह रहे हैं बॉन्ड मार्केट के अंदर। तो हमने जो यहाँ पर पूरा देख लिया, और मैं आज कोई मतलब ऐसे नया कॉन्सेप्ट नहीं कवर करने वाला हूँ। अगर आपको कोई भी डाउट हो इसकी मतलब जो हमने जो भी कवर किया उसके अंदर, तो आप नीचे जो है कॉमेंट कर सकते हैं। सो दैट्स इट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपको मतलब नीचे आपको इंस्टाग्राम का लिंक मैंने आपको बताया था, तो अगर आपको वो भी फॉलो करना है तो आपको नीचे मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।